तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और रशिया को लेकर, और जल्द ही भारत और रूस कृषि क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के सबसे बड़े मित्र बनने वाले हैं। दरअसल पिछले साल के डाटा को आप सभी यदि आप देखोगे तो भारत ने रशिया से 34,19,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया था। चूंकि भारत साल भर में कुल मिलाकर 70 से 80 लाख टन फर्टिलाइजर को दुनिया के अलग अलग देशों से लेता है, तो अकेले रशिया ने ही हमें 34 लाख टन फर्टिलाइजर दिया था 70 से 80 लाख टन फर्टिलाइजर में से। यानी रशिया कृषि क्षेत्र में भारत का ऑलरेडी एक बड़ा भागीदार बन चुका है, परंतु अब भारत के विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रशिया के साथ एक बड़ा समझौता कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें जानकारी दी गई है कि जैसा कि भारत सरकार ने अभी गेहूं इंपोर्ट के अंदर 15 से 20% की जो छूट दी है, इससे भारत के अंदर गेहूं का प्राइस तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ में रशिया से सस्ता गेहूं भारत आ सकेगा। अब वैसे भी यदि भारत और रशिया कृषि क्षेत्र में एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं तो 2030 के लिए भारत को फर्टिलाइजर की जो सारी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत को हर साल करीब 350 लाख टन फर्टिलाइजर चाहिए होता है, जिसमें से 80 लाख टन फर्टिलाइजर हम दूसरे देशों से लेते हैं। और इसी कारण से रशिया के साथ डील करने से फर्टिलाइजर का एक मेजर एक्सपोर्टर भारत का दोस्त रशिया ही बन जाएगा। और रही बात गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की, तो वैसे भी जलवायु परिवर्तन चल रहा है, और यदि भारत को इस साल की तरह गेहूं और खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है तो भारत रशिया से ले सकता है, और यदि भारत की जो समय है और जलवायु सही है तो फिर भारत के यहाँ पर रशिया का गेहूं वैसे भी बिक सकता है, और रशिया अपना गेहूं संकट के समय में भारत को डिस्काउंट के अंदर देता रहेगा। यानी कुल मिलाकर यह जो समझौता है वो भारत और रशिया के पक्ष में ही रहने वाला है। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को रशिया के साथ अपना लाभ और रूस का हित देखते हुए इस प्रकार के कृषि समझौते को अंजाम देना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।